जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। और जय हिंद के साथ आज मैं सभी राम भक्तों को जय श्री राम भी कहना चाहूंगी। और जो अंध भक्त हैं, अंध भक्त, उनको सलाम वालेकुम कहना चाहूंगी। आज डिबेट हो रही थी टीवी पर, विवाद, राम जन्मभूमि घोटाला हैश ट्रेंड चल रहा था। बताऊंगी क्यों मैंने जो है जय श्री राम के साथ सलाम वालेकुम भी बोला है। सलाम वालेकुम अंध भक्तों के लिए और जय श्री राम भगवान श्री राम के भक्तों के लिए। राहुल गांधी जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने ट्वीट किया है, श्री राम स्वयं न्याय हैं, सत्य हैं, धर्म हैं, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। ट्रेंड चलाया है राम मंदिर घोटाला। प्रियंका गांधी, कांग्रेस की महासचिव, उत्तर प्रदेश प्रभारी है, उन्होंने ट्वीट किया, करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया, उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। ये प्रियंका गांधी जी ने, ये दो ट्वीट्स आपको मैंने बताया। अब विवाद क्या है ये मैं आपको बताती हूं। विवाद में जो पात्र है, वो पात्र मैं आपको बता रही हूं, पाठक परिवार, कुसुम पाठक और हरीश पाठक, जिनकी जमीन बताई जाती है। दूसरे हैं राजू तिवारी और सुल्तान अंसारी, ध्यान से नाम सुनिएगा, सुल्तान अंसारी, जी हाँ। और उसके बाद दो और पात्र हैं इस पूरी घटना के, एक का नाम है ऋषिकेश उपाध्याय, ये अयोध्या के भाजपा के मेयर हैं, और अनिल मिश्रा जो है वो सदस्य है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के। ये छह लोग हैं। अब हुआ क्या है, विवाद क्या है? सबसे बड़ा विवाद ये आ रहा है कि 18 मार्च 2021 इसी साल राम जन्मभूमि में एक सौदा होता है। ये सौदा 18 मार्च को होता है। पाठक परिवार तिवारी और अंसारी को 2 करोड़ में अपनी जमीन बेचते हैं। जमीन कितनी बताते हैं, जमीन है 12,080 वर्ग मीटर। पाठक परिवार ने अंसारी तिवारी को अपनी जमीन बेची और 10 मिनट के अंदर अंसारी और तिवारी से राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने वो 2 करोड़ वाली जमीन जो थी वो 18,50,00,000 में खरीदी। विवाद अब यहां है कि 10 मिनट पहले जो जमीन 2 करोड़ की खरीदी गई, वही जमीन 18,50,00,000 में राम ट्रस्ट, जो हमारे जन्मभूमि है, उसने खरीदी। सारा विवाद इसमें आता है। अब इनका क्या कहना, नो गुना रेट बढ़ गए प्रति सेकंड 5.5 लाख रुपए के हिसाब से बढ़कर। आपको पता है कि एक होता है कमर्शियल लैंड, एक होता है एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड की कीमत सस्ती होती है, लोग उसे खरीदते हैं, लैंड यूज चेंज होता है, और कमर्शियल में बदलते ही उसके दाम आसमान छूते हैं। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन क्या 10 मिनट के अंदर ये जो जमीन थी जिसमें अमरूद के पेड़ कहा है लगे हुए थे और ग्रीन बेल्ट थी, कोई आसपास कमर्शियल नहीं था, ये एग्रीकल्चर ग्रीन लैंड था, ये कब कमर्शियल में 10 मिनट के अंदर आपने लैंड यूज भी चेंज कर दिया और कीमत 2 करोड़ से 18,50,00,000। अब सवाल ये होता है, ये पाठक परिवार है का, कुसुम और हरीश पाठक कल से ढूंढ रहे हैं, मीडिया वाले इनके घर पे छापे मार रहे हैं, ये मिल नहीं रहे हैं ताकि इनसे पूछा जा सके कि ये एग्रीमेंट आपने कब किया था। लेकिन भाजपा के नेता पेपर लेकर आते हैं कि 2010-11 साल पहले पाठक परिवार का अंसारी और तिवारी से एग्रीमेंट हुआ था, कागज पे, सिर्फ लिखित में, कि मैं आपको ये जमीन दूंगी। 10 साल तक दी नहीं, 1 रुपया भी लेन देन नहीं हुआ। कानून ये कहता है कि अगर आप लिखित में एक दूसरे को जमीन लेने देने की बात करते हो और 1 रुपया भी अगर उसमें शामिल नहीं है लेन देन में, तो कानूनी वो एग्रीमेंट खरीद का, जमीन का, बेचने का मान्य, गैर कानूनी मान्य ही नहीं, उसकी कोई मान्यता नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि एग्रीमेंट 2011 में हुआ था, क्या पाठक परिवार अंसारी तिवारी को जमीन देगा, दी ही नहीं। 21 में एकदम मन बना लिया पाठक परिवार ने कि जमीन के दाम बढ़ गए हैं, अब हम बेचें और उसी दाम पर जो 11 साल पहले तय हुआ था 2 करोड़। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मूर्ख तो नहीं है ना आप, तो आपसे एक बात पूछती हूं। आपने 10 साल पहले किसी जमीन को 2 करोड़ में मान लीजिए देने की बात कर दी, मान लीजिएगा 2 करोड़ में आपने 10 साल पहले कह दिया मैं जमीन को दूंगा। आज आपको पता है कि उस जमीन की कीमत जो है वो 20
करोड़ से ऊपर पहुंच गए, 2 करोड़ की जमीन की कीमत 20 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। आप क्या करेंगे, 100% पेनाल्टी के लिए भी तैयार हो जाएंगे कि भैया 2 करोड़ के 4 करोड़ ले लें मुझसे, मैं ये जमीन नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई रजिस्ट्री नहीं हुई, कोई पावर ऑफ अटर्नी नहीं थी, कोई रिटन एग्रीमेंट, कोई पैसे का लेन देन नहीं था। तो भाई जो भी है, इस कागज पे भी मैं 100% पेनाल्टी देती हूं। पाठक परिवार 2 का 4 करोड़ भी देता तो भी राम जन्मभूमि ट्रस्टी उन्हें 18 करोड़ देते, 4 करोड़ निकाल देते तो भी 14 करोड़ रुपया। लेकिन पाठक परिवार ने ऐसा क्यों नहीं किया, किसके दबाव में नहीं किया? चलिए छोड़िए, अब आइए, ये कहते हैं कि आज भाजपा के प्रवक्ता संघ बीजेपी वाले सब कि ये आरोप लगा रहे हैं। आपको पता, सबसे पहले ये जो राम ट्रस्ट जन्मभूमि ट्रस्ट पे आरोप लगाया किसने था, 2017 में, ध्यान से सुनिएगा, 2017 में निर्मोही अखाड़े के महंत सीताराम ने विश्व हिंदू परिषद पर आरोप लगाया था कि 1400 करोड़ रुपया विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि के नाम पर उगाही की है और वो उसका कहीं कोई बही खाता नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। सबसे पहला आरोप किसने लगाया, निर्मोही अखाड़े के महंत सीताराम ने विश्व हिंदू परिषद पर। तब तो किसी ने इन पे मानहानि का दावा ही नहीं किया, खामोश कर दिए गए, ठीक वैसे ही जैसे प्रवीण तोगड़िया सत्ता में आने से पहले सबसे ज्यादा इनको छूट दी हुई थी, भगवान नाम के नाम पर ये पूरी राजनीति करते थे। सत्ता में आने के बाद प्रवीण तोगड़िया को भी खामोश कर दिया गया, आज वो भी कह रहे हैं कि हाँ ये सब राम के नाम पर सिर्फ वोटों की राजनीति है। अब बात आ रही है चंपत राय, चंपत राय महासचिव है राम जन्मभूमि ट्रस्ट के, ये कहते हैं ये चने खाकर ये इतने ईमानदार हैं और राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, अच्छी बात है। चंपत राय जी चने खाते थे, आज आरोप है चंदा खा गए। तो मैं तो ये कहती हूं कि चंपत राय जी, आप पर गंभीर आरोप लग रहा है, आप पे दाग लग रहा है, आपको तुरंत आगे आकर ये कहना चाहिए कि मैं एक निष्पक्ष जांच की खुद मांग करता हूं, चाहे प्रधानमंत्री जी सीबीआई से करवा दे या प्रधानमंत्री जी उसकी जांच जो है कांग्रेस ने आज मांग की कि सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश से इसकी जांच हो। तो क्यों आप जांच से भाग रहे हैं, आपने चंदा नहीं खाया, आपने तो चने खाए ना, तो क्यों डर रहे हैं, इस पे खुलासा होना चाहिए। अब मैं बात करती हूं, भारत की राजधानी दिल्ली में रहती हूं, भारत की राजधानी दिल्ली के साउथ एक्स, बड़े पोश एरिया माना जाता है, यहाँ की प्रॉपर्टी के दाम बताते बहुत ज्यादा है, कमर्शियल एरिया है टोटल मेरे आस पास, 10 साल हो गए मुझे भी यहां पर, लेकिन आज अगर अपना मकान बेचने जाऊंगी तो जितने में शायद खरीदा था, आज यहां पर आप खरीदने जाएंगे बेचने तो आपको वो कीमतें नहीं मिल रहे हैं। ये भारत की राजधानी दिल्ली में 10 साल में अपना अनुभव बता रही हूं। अयोध्या में ये मुझे नहीं मालूम, आप बेहतर बताइए कि भारत की राजधानी दिल्ली जो बिल्कुल कहूंगे इंडिया गेट हो, पार्लियामेंट हाउस हो, राष्ट्रपति भवन हो, प्रधानमंत्री घर से चंद कदमों की किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर दाम नहीं बढ़ रहे, लेकिन अयोध्या में दाम बढ़ गए। बढ़ने का कारण ठीक है, ये बताया जा रहा है कि वहां पर राम मंदिर, भव्य राम मंदिर आ रहा है, वहां पर कमर्शलाइजेशन होगा इसलिए बढ़ गए। कितने भी बढ़ जाए, यहां पर भी तो उस मुताबिक बढ़ने चाहिए, नहीं बढ़ रहे। अब बात आती है कि अंधभक्तों को सलाम वालेकुम क्यों कहा, क्योंकि टीवी चैनल्स में ये कहा गया कि राम भक्त के विरोधी हैं, राम 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 भगवान के विरोधी हैं, ये बाबर की औलादों के समर्थक है, ये विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के प्रवक्ता टीवी चैनल पे हमला करते हुए बोले। बाबर के पुत्र कह के किसको आप जो है नीचा दिखाना चाह रहे हो, उसी बाबर का पुत्र जो है ना सुल्तान अंसारी, ये उसी ने सुल्तान अंसारी ने ही जमीन बेची है, जिसकी जेब में विश्व हिंदू ये जो राम जन्मभूमि अखाड़ा के लोगों ने 18 करोड़ डाला, इसी बाबर के पुत्र के, और इसी बाबर के पुत्र ने अपनी जमीन खरीद कर पाठक परिवार से राम जन्मभूमि के लिए दी है। तो ये तर्क जो है ना, ये बकवासबाजी बंद कर दीजिए, ये हिंदू मुस्लिम राम मंदिर के विरोधी, कोई राम मंदिर के विरोध में आज नहीं है। ये खुद चंपत राय बताते हैं कि अभी तक 3000 करोड़, जी हाँ 3000 करोड़ उन्होंने चंदे राम जो है जन्मभूमि और राम मंदिर के नाम पर 3000 करोड़ से अधिक पैसा जमा किया है। कैसे जमा किया बताते हैं कि गरीबों ने, झुग्गी में रहने वालों ने, मजदूरों ने अपनी मेहनत और ईमानदारी में से एक एक रुपया दिया। आप समझ रहे हैं, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जनता की आस्था से जुड़ा हुआ, भगवान श्री नाम के नाम पर धोखा, और किस तरीके से इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग बता रहे हैं कि किस तरीके से, वो याद है ना जैसे
सबको याद है आरोप लगे थे अमित शाह जी के बेटे जय शाह, 50,000 रुपए घाटे पर इनकी कंपनी चल रही थी और नोटबंदी के तुरंत तुरंत बाद 80 करोड़ का मुनाफा कमाया। सेम वही हो यहां पर होते हुए दिख रहा है, लेकिन जांच नहीं होगी, जांच से भाग रहे हैं और पूरी प्रक्रिया को घुमा रहे हैं। अभी विश्व हिंदू परिषद के अभी के अध्यक्ष आलोक कुमार भी एक चैनल पे लाइव में थे, उन्होंने कहा है कि जांच तो हम नहीं कराएंगे, जिन्होंने आरोप लगाए उन पे मान हानि का दावा करेंगे, जांच नहीं कराएंगे लेकिन जिन्होंने आरोप लगाए हैं उन पर मानहानि का दावा करेंगे। तो इन्होंने 2017 में निर्मोही अखाड़े के सीता राम महंत पर कितने का मानहानि का दावा किया था मालूम है, याद है, क्यों छोड़ दिया उन्हें। और अभी मानहानि का करके फिर उन्होंने कहा हम जांच नहीं कराएंगे, मानहानि करेंगे जिन्होंने आरोप लगाए हैं और हम इसे चुनावों तक लेके जाएंगे। ये आलोक कुमार ने अभी न्यूज नेशन में कहा, चुनावों में से मुद्दा बनाएंगे, यानी कि इनको मालूम है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, माफी चाहूंगी, अजय बिष्ट के खिलाफ इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है जिसकी वजह से दिल्ली की भाजपा के शीर्ष नेता उन्हें वहां से हटाना चाह रहे थे, इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी। मुझे लगता है उन्होंने रास्ता खोज लिया है, उन्होंने खुद कहा है कि हम इसे चुनाव में मुद्दा बनाएंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता इस बात का फैसला करेगी कि हमने भ्रष्टाचार किया या नहीं किया। ये किसी सीबीआई पे विश्वास नहीं करते, ये इसे 6 महीने मुद्दा बनाकर रखकर चुनाव में ले जाना चाहते हैं। और फिर ये भी कहते हैं आलोक कुमार कि अगर हम इसे मुद्दा बनाएंगे तो इन्हें भी पता है फायदा किसका होगा, जब जब राम मंदिर मुद्दा बनाए इन्हीं का कहना है फायदा भाजपा को हुआ है। तो इसीलिए अजय बिष्ट की नाकामियों को, निकम्मेपन को, विफलताओं को, एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए दोबारा से राम मंदिर मुद्दा बनाने के लिए ये सारा का सारा खेल रचा जा रहा है। लेकिन इन्हें भूलना नहीं चाहिए जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता भी ये चाहती है कि जिस गरीब से आपने श्री राम भगवान के नाम से 1-1 रुपए का चंदा लिया, 3,000 करोड़ इकट्ठा किया, उसकी जमीन 2 करोड़ की आपने 18,50,00,000 में खरीदी, और जितनी जमीनें खरीदी, जितनी जमीनें, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि मंदिर 3 एकड़ में बनना था, फिर तय हुआ, खुशी की बात है, फिर तय हुआ 5 एकड़ में बनेगा, फिर पता लगा कि नहीं इसे और विस्तार किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, विस्तार किया जा रहा है, 70 एकड़ जमीन सरकार ने राम जन्मभूमि को दिया है। हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, 70 एकड़ जमीन अपने मंदिर के लिए राम ट्रस्ट को दी, 3 एकड़ में मंदिर बनना था, 5 में बन रहा, बहुत अच्छी बात है। और अभी मांग है 108 एकड़ कुल चाहिए, 35-38 एकड़ अभी भी कम है, हम कहते हैं वो भी ले लीजिए, बिल्कुल लीजिए, आसपास अयोध्या के जितने लोग हैं, मैंने तो ये सुना कि खेती की जमीन है, कुछ खेत और किसान अपनी जमीन अपनी मर्जी से नहीं देना चाहते हैं, उनकी जमीनों को हर तरीके से हर हथकंडा अपना कर उनसे छीनी जा रही है, मुंह मांगे दामों पर छीनी जा रही है। मुझे नहीं लग रहा कोई भी किसान खेती छोड़ने को तैयार हो सकता है, अपना मकान छोड़ने को हो सकता है, अगर उसकी यही कीमत मिल रही है, 2 करोड़ की जगह उसको अगर 18 में मिले तो मुझे लगता है कि बिल्कुल छोड़कर अभी दिल्ली या मुंबई या बेंगलोर या आपको मेट्रो सिटीज में चला जाना चाहिए, जहां पर आपको हर सुविधाएं, कहने को हर सुविधाएं मिलती हैं, क्यों वो वहां रहना चाहेगा। और क्यों नहीं राम जन्मभूमि जो 108 एकड़ जमीन भगवान श्री राम के नाम पर ली जा रही है उसे आप सार्वजनिक कर देते, सारे विवाद खत्म कर दीजिए ना, सारे विवाद ही खत्म कर दीजिए, कि सारे पेपर कब कब कितनी जमीन किससे कितने में ली गई और क्या, सारा सार्वजनिक कर दीजिए। लेकिन वो भी नहीं हो रहा, क्यों छुपाया जा रहा है। फिर पूछा गया कि आप जो सवाल कर रहे हैं आपने कितना चंदा दिया है, मान लीजिए अलका लांबा से ही पूछ ले कि आपने राम जन्मभूमि के लिए कितना चंदा दिया है। आए थे विश्व हिंदू परिषद संघ आरएसएस के लोग, दरवाजों पर पर्चियां काटने आए थे, पर पर्चियां असली हैं नकली हैं कोई सबूत नहीं था। बहुत लोगों ने भगवान श्री राम के नाम पर भावुक होकर दे दिया, बहुत से लोगों ने देने से इनकार कर दिया, पर्ची फर्जी लग रही थी इन्हीं की तरह जो लेने आए थे, इसलिए नहीं दिया उन्हें। तो बात यह है कि यह विवाद सारा का सारा पैदा किया जा रहा है, इस जांच से बचा जा रहा है, भागा जा रहा है, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, धर्म के नाम पर दोबारा उन्माद और विवाद पैदा किया जा रहा है। तो
तो अब आपको तय करना है। कांग्रेस ने आज मांग की है कि ये जो आरोप लग रहे हैं बेहद गंभीर आरोप हैं और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से होनी चाहिए और इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं देखनी चाहिए और राम भगवान या राम का मंदिर, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस संघ या भाजपा की अपनी निजी संपत्ति या बपोती नहीं है। समझ रहे हैं आप, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आस्था का सवाल है। उन्होंने जो एक एक रुपया भगवान के नाम पर चंदा दिया है, ये चंदा चोर उस चंदे को खा रहे हैं और ये कहते हैं कि हमें इस पे बोलना नहीं चाहिए। अब आपके सामने सवाल रखकर छोड़ दिया कि अगर आप 2 करोड़ की जमीन का सौदा 10 साल पार कर दे तो 10 साल बाद आप 100% पेनाल्टी के साथ 4 करोड़ वापस करते, लिया 1 करोड़ भी नहीं, सौदा 2 करोड़ का था, लिया 1 करोड़ भी नहीं, लेकिन 10 साल के बाद आप 100 गुना वापस करते 4 करोड़ और सीधा पाठक परिवार राम ट्रस्ट भूमि के साथ कर सकता था। क्यों नहीं किया, क्यों भागे फिर रहे आज इन सबको, राजू तिवारी, अंसारी, सुल्तान, कुसुम, हरीश, सबको खोजते रहे। भगवान इनको सुरक्षित रखे, क्योंकि आपको पता है बहुत बार सबूतों को मिटाने के लिए, गवाहों को चुप करवाने के लिए। और इसमें जो है ऋषिकेश उपाध्याय भाजपा के मेयर को, अयोध्या के मेयर को गवाह बनाया गया। आप समझ रहे हैं विवाद तो होगा कि भाजपा का मेयर ही क्यों। अनिल मिश्रा जब ये विवाद आया, राम ट्रस्ट जन्मभूमि के ट्रस्टी हैं सदस्य, उनसे जब पूछा तो हटपटा गए, बिना जवाब दिए गाड़ी में मीडिया था खड़े होते, कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होते और बिल्कुल कहते कि कुछ नहीं है, आप जो भी सवाल करेंगे हम खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आगे आते हैं, एक एक कागज रखेंगे, आप जांच कराएं। लेकिन नहीं, एक भी अनिल मिश्रा ने एक भी पत्रकार का जवाब नहीं दिया, गाड़ी किसी तरह खुलवाई और भाग लिए कि अब करना क्या है। चंपत राय से पूछा तो चंपत राय महात्मा गांधी पर पहुंच गए कि महात्मा गांधी की हत्या का आरोप हमसे लगता है। अरे उसका इससे क्या लेन देन, आप यूं ही तर्क देकर बच नहीं सकते। पूरी की पूरी भाजपा, कांग्रेस, राहुल गांधी जी के एक ट्वीट पर पूरी ट्रोल मिनिस्ट्री उतर जाती थी। आज आपने देखा कि कल से ये जो विवाद हुआ है भाजपा और मोदी मंत्रिमंडल में, ट्रोल मिनिस्टर का किसी का एक ट्वीट आया, पूरी सरकार खामोश है। पूरा का पूरा भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता इस समय तो पूरा छा जाना चाहिए था, है ना, खामोश होकर दुबक के बैठ गए। क्योंकि कईयों को लग रहा है कि क्या ये चंदा 18 करोड़ रुपया, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में, ये चंदा कहीं भाजपा के उस मेयर के माध्यम से पीएम केयर में जा रहा है या भाजपा के चुनावी चंदे में जा रहा है। सवाल तो उठेंगे, लोकतंत्र है, जब तक आप पारदर्शिता नहीं रखेंगे, जवाबदेही नहीं बनाएंगे, सवाल तो उठेंगे और सवालों को आप दबा नहीं सकते। और फिर मैंने कहा, पूछा गया कि किसने कितना दान दिया है, इन संघियों को बता दीजिए कि दान गुप्त होता है, दान का ढिंढोरा पीटा नहीं जाता। आप जो ले रहे हैं वो चंदा है, श्री भगवान राम के नाम का चंदा है, उस चंदे में घोटाला हो रहा है, वो पैसा सीधे आप लोगों की जेब में जा रहा है जो आप राम मंदिर के नाम पर लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन जहां तक दान की बात है, अगर किसी ने भी कितना भी दान दिया है तो दान हमेशा गुप्त रखा जाता है। एक हाथ से कहते हैं ना, दान दे तो दूसरे को भी पता नहीं लगना चाहिए। तो ये संघी भाजपाई, मैं कहूं आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये सब जो हैं टोटल इसमें शामिल है। अगर शामिल नहीं है तो चुनौती है, कांग्रेस ने मांग उठाई है कि बिल्कुल ये श्री राम के भक्तों के साथ बहुत बड़ा धोखा और खिलवाड़ है। ये बिल्कुल वो भी चाहेंगे कि दूध का दूध पानी का पानी हो, किसी तरह का कोई विवाद राम जन्मभूमि या राम मंदिर बनने में ना हो, पूरी तरह पारदर्शिता रखते हुए जितने भी डील लैंड को लेकर, जमीन को लेकर हुई है, उसके कागजों को पूरी तरह से सार्वजनिक कर दिया जाए। और अगर आप इन जमीन की डील को जो है वो छुपाते हैं तो शक आप पर पैदा होगा। शक श्री राम भगवान के अस्तित्व में नहीं है, शक राम मंदिर पे भी नहीं है, वो दोनों सच हैं और सच होंगे। शक अगर है तो विश्व हिंदू परिषद, राम ट्रस्ट जन्मभूमि में जिन चंपत राय को प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्टी नियुक्त किया है, आप समझ रहे हैं किसने नियुक्त किया, एक को ट्रस्टी मुख्यमंत्री ने किया जो उनके पैर छू रहा है, तस्वीरें आई हैं, दूसरा ट्रस्टी प्रधानमंत्री जी ने चंपत राय जी को नियुक्त किया जो उनके पांव छूता है। तो इनसे सवाल करें
इवन की प्रधानमंत्री जी ने पूजन किया था, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को आके कहना चाहिए कि मैं नहीं चाहता कि राम मंदिर किसी भी विवादों में बने, हर चीज को मैं दूध की दूध पानी की पानी की तरह करके रखूंगा, तुरंत जांच होगी, फास्ट ट्रैक में जांच होगी, जितने भी आरोप लग रहे हैं सबके जबान बंद हो जाएगी, मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन उन्होंने अपना ही मुंह बंद कर लिया है, वही हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि इस पे वो कुछ बोल पाए। तो आप सभी को कहूंगी आज का ये जो विवाद था, इसी विवाद के पीछे बहुत से आज मुद्दे थे जो कोशिश की कि इस राम मंदिर भाजपा के घोटाले को खामोश करने के लिए पहले सुबह चलाया गया कि चिराग पासवान की पार्टी दो फाड़ हो गई, चिराग बुझ रहा है और अपना पासवान एलजेपी के 5 सांसद जो हैं वो पार्टी छोड़ के चले गए। लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि भाजपा मुख्यालय में किसने ज्वाइन किया, किसकी पार्टी छोड़कर गई, कौन नेता कहां जाएगा, आने वाले चुनावों में आना जाना लगा रहेगा। लोगों के लिए मुद्दा क्या है, आज महंगाई 12.94% पर पहुंच गई है, सबसे रिकॉर्ड तोड़ दिए महंगाई ने। कारण बताया जा रहा है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं मुफ्त वैक्सीन लग रही है आपको, 34,000 करोड़ की मुफ्त वैक्सीन का पैसा आपसे पेट्रोल डीजल के माध्यम से वसूला जा रहा है और उसकी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है तो वो भी वसूला जा रहा है। तो भगवान हमें आपका मुफ्त वैक्सीन नहीं चाहिए, आप पेट्रोल डीजल के दाम कम करें, आधे पर लाएं, महंगाई खत्म होगी, हम उससे पैसा जो बचेगा जाकर खुद वैक्सीन लगवा लेंगे। मैंने एक चैनल पे भी बोला था ये जो मुफ्त वैक्सीन है कहीं इसकी कीमत में पेट्रोल डीजल और उसके बाद खाद्य पदार्थों में बढ़ने वाली महंगाई के तौर पर हमें न चुकानी पड़े, और वही आज हो भी रहा है। महंगाई चरम पर है वो मुद्दा नहीं है। राजनीतिक दलों ने, किसी ने तेलंगाना से आके भाजपा का ज्वाइन किया, भाजपा वालों का बिहार में टूट गया, कांग्रेस वाला भाजपा में चला गया, भाजपा वाला तृणमूल कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस में आम आदमी पार्टी के विधायक, ये सब तमाशे चलते रहेंगे। मैं आपको साफ बता रही हूं असल मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भगवान के नाम पर चंदे की दलाली खा रही है भाजपा और उसके नेता, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मैं आप सभी से कहूंगी, खासतौर से उत्तर प्रदेश के लोगों को कहूंगी, अगर सुन रहे हैं तो मुद्दे पर रहिएगा। 6 महीने बचे हैं, बहुत से खेल, बहुत से षड्यंत्र, बहुत कुछ होगा आपके बीच में, सिर्फ आपको मुद्दों से भटका कर किसी तरह वापस सत्ता हासिल करके, सत्ता की मिलाई जैसे खा रहे हैं वैसे खाते रहें, ऐशो आराम जो इन्हें मिला है वो पाते रहें मात्र इसके लिए। और अपनी जिंदगियों में झांकिए कि आपको कैसे कैसे आप जी रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। 307 के करीब हमारे साथी हैं, उन सबसे कहूंगी जरूर शेयर करिएगा ताकि क्या सच्चाई है उस सबके सामने आना बेहद जरूरी है। मेरी शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।